Okay. Wide, okay. Action.
थोड़ा बिजी आइए। मैं लाइक करता हूं, मेरी कैसा थी ओकर भी नहीं थोड़ा ना और अपने हम सर पे नहीं जी वो क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है सचिन सचिन वो हमने हमने आपसे एक बात छुपाई थी क्या 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 छुपाई क्या छुपाई देखिए देखिए जा फिर अनुदीप के पास जा रहा हूं मानो क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है हमें माफ कर दीजिए हमने आपसे एक बात छुपाई है क्या वो हमारी शादी होकर भी नहीं हुई एक साथ था बोल मतलब तेरा सारा सामान जो है चांदी चौक पर चढ़ा के भगवा दूंगा बता दिया हूं नहीं सीधी वो दरअसल क्या कि वो हमने बाहर की शादी की थी तो क्या हुआ कि बाहर की शादी कर रहे थे तो भागते भागते फोटो नहीं खिंचवा पाए तो बस फोटो नहीं है बस इसलिए अभी फोटो खिंचवा रहे थे सबूत सबूत तेरे तो ये कह रहा था तेरी दो बार शादी हुई एक बार मंदिर में हुई और एक बार कोर्ट में हुई वो क्या था तू बोल लिया था क्या नहीं वो सच है वो दरअसल क्या है ना हम मंदिर गए शादी करने के लिए फिर हमें पता चला कि आज का दिन जो है बड़ा अशुभ है मतलब अच्छा दिन नहीं है तो हमें ऐसा लगा कि अब हम क्या करें तो हमने क्या सोचा कि हम कोर्ट चले जाते हैं हम कोर्ट में गए जो वहां पे जज थे उन्होंने क्या किया वो जो पेपर होता है ना जिसपे शादी का साइन लेते हैं उन्होंने गलती से तलाकनामे का पेपर दे दिया इसलिए बस ये हो गया इसमें मतलब तुम दोनों की जो है मतलब तुम दोनों की अभी तक जो I love
Your look, Pitrabi, looking very beautiful. Mera bhi. Yeah, sir. Me too. I love your look. लेकिन वही ब्यूटीफुल बिट्टू भाभी मेरा भी आपके लिए हाँ हाँ बस हाँ हो गया सुनिए लैंसी जी हम क्या कह रहे हैं कि जल्दी से करिए ना जो भी करना है वो दरोगा कभी भी टपक पड़ेगा जी सोची प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए क्योंकि टेंशन से ना दिल की बीमारी हो जाती है और मैं नहीं चाहती मेरे रहते हुए आपको दिल की बीमारी हो समझ रहे हैं नहीं इलायची जी इनका तो पता नहीं लेकिन क्या ना हमको बहुत गर्मी लग रही है क्या ना इतने भारी भारी कपड़े पहने अंदर से ना पसीना पसीना हो रखा है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं पंडित जी जरा शुरू करिए मंत्र मंत्र जी यार पंडित मत बोल लल्लू कह ले मुझे तू मैं तो भूल ही गई थी यार इसे तो इज्जत रास ही नहीं आती ना कभी अपनी लल्लू ठीक है चलो भाई माला दो पहनाओ पहनाओ दीजिए चल भाई बुबू हमारे मतलब बुबू हमारी बुबू आप ये क्या कर रही हो पास आओ अरे पहनाओ ना यार चलो हाँ चलो अब ना पंडित जी के पैरों में गिर जाइए दोनों क्या जी मेरा मतलब है कि आप आशीर्वाद ले लीजिए पंडित जी का वो क्या है ना आपने खुद मंत्र पढ़ के तो शादी करनी नहीं होगी शादी करने के लिए पंडित जी चाहिए वो भी फोटो में आने चाहिए कमा रेडी 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 चलो चलो जी जी कर रहे हैं पंडित जी थोड़ा अच्छे से करो भाई साहब मतलब पंडित जी ये कुर्ता कैसे है जीजा जी जरा अच्छी वाली स्माइल दे तो आप ही की भी हां सुनीता जी उल्टा उल्टा देखा एक सेकंड बहुत लोग का उल्टा नीचे बैठ जाओ कहां से है नीचे बैठ जाओ वो देख दूसरा है फिर से वो वाला हां फिर से स्माइल करो अच्छे से हां वो देखिए कौवा पिंडू भाभी जी हो गया इलायची जी अरे अरे अभी कहा अभी तो पिंटू भाभी को मंगलसूत्र पहनाना बाकी है फिर सिंदूर लगाना बाकी है फिर विदाई भी बाकी है चलिए जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए चलिए एक सेकंड माइक नहीं लिया था अरे ये क्या रहस्य है इसमें हाँ खुल गया नहीं खुला एक सेकंड रुकिए ये क्या है भाई जल्दी करना अब रुक हाँ मतलब रुको ना बूबू एक सेकेंड जीजा जी उल्टा लगा रहे हो एक सेकेंड ये इनका ना गला बड़ा है जरा तो क्या करते हैं इसे साइड पे रख देते हैं बुबू जरा सीधी खड़ी लो हिलना मत नहीं तो गिर जाएगा चलिए चलिए ना जल्दी जल्दी अभी सिंदूर की बारी आ गई चलो सिंदूर लगाने नहीं तूने मास्क नहीं लगाया था ना उसे चलिए अभी सिंदूर की बारी इसी पे रोक दियो मुझे मैं लिया नहीं था चलिए अब सिंदूर की बारी लैची जी वो ये करना पड़ेगा क्या हाँ करना पड़ेगा अच्छा ठीक है क्या कर रहा फोटो के चक्कर में सच्ची शादी कर लेगा क्या ऐसा तो सपने में नहीं होंगे तुम्हें समझा पागल नहीं होगा ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ से लेके ये लगा देखे लाइन से
चिड़िया बोली चिड़िया है। जल्दी से पंडित जी क्या कर रहा है यार, कुटी के चक्कर में सच्ची शादी कर लेगा क्या? अरे चुप कर, बकवास मत कर, ऐसे मैं सपने में भी होने दूंगा समझा, ऐसे शादी करूंगा मैं, चुप कर। क्या चल रहे, क्या चल क्या रहे? वो सेठ जी दरअसल ये वो क्या है कि क्या चल रहा है ये, क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये? सेठ जी सेठ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, वो दरअसल क्या है ना कि हमने आपसे एक बात छुपाई है। क्या? वो क्या कि हमारी शादी होकर भी नहीं हुई है। साफ साफ बात बता, वरना तेरा सामान निकलवा के ना मैं इस बरसाती में से चांदी चौक के चौराहे पे भगवा दूंगा, बता रहा हूँ। एक सेकंड, माइक कहाँ जा रही है? साफ बोल, वरना तेरा सामान फेंकवा दूंगा मैं चांदी चौक के चौराहे पे, बता रहा हूँ। अब देखिए सेठ जी, वो दरअसल क्या कि हमने हमने भाग के शादी की थी, तो भागते भागते फोटो नहीं हो पाई ना, तो भाग रहे थे वो सेठ जी, भाग के शादी की थी, हमारे पास फोटो नहीं थी तो हम बस फोटो करवा रहे। तू तो ये कह रहा था कि तूने दो बार शादी की थी, एक बार कोर्ट में एक बार मंदिर में, तब भी फोटो ना खिंचवा पाया तू? अज नहीं गए, हम बताते हैं क्या हुआ, हम बताते हैं क्या हुआ। उधर से क्या हुआ, वहां पे हम मंदिर में गए तो हमने बोला हमें शादी करनी है, तो उन्होंने बोला कि बड़ा शुभ दिन है, अच्छा दिन नहीं है, आज शादी मत करिए। तो हमने कहा कि अब क्या करें, तो हमने क्या किया, हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में गए तो वहां पे हमें एक जज मिला, जो जज था वो था बूढ़ा, तो उसने क्या किया, उसने शादी के पेपर पे साइन कराने की जगह करा लिया तलाकनामे पर। तो अब इसमें हमारी क्या गलती है सेठ जी? तो मतलब तुम दोनों की जो है वो मतलब तुम दोनों की अभी तक जो सेल्फी, मतलब तुम दोनों की इलू सेल्फी, मतलब तुम दोनों की अभी तक शादी ना हुई है? ना ना सेठ जी, ऐसी बात ना है, जो देवता है मेरा, मतलब बिल्कुल देवता है हमारे, क्या ना ये मंगल सूत्र सिंदूर सब इनका। ना ना सेठ जी, ऐसी बात ना, ये देवता है मेरा, मैं मतलब बिल्कुल देवता है मेरे, ये मंगल सूत्र और सिंदूर सब इन्हीं का दिया हुआ है, मैं तो ना अपना सब कुछ इन पे लुटा बैठी हूँ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ ना, मतलब आप दोनों के साथ है। अरे मेरे साथ बुरा हो गया है, दरोगा मुझसे पूछताछ कर रहा है, मैंने रखा है ना इन दोनों को यहाँ पे बरसाती में, अगर उसे पता लगेगा दोनों की शादी ना हुई है अब तक, तो मेरा गला दबा देगा, अब कोई रास्ता ही ना है। खिंचाओ बोलो, खिंचाओ जल्दी, अच्छा ठीक है, आगे चौकी जाओ, चलो आगे। लाइफ में टंग क्यों रखे पापा, क्या है ये, आप थोड़ी ना शादी में। अरे कोई टंग, अरे हाँ मैं शादी में ना था ना जी, चल खींच खींच। तभी बाल जो ना मजबूत हो गए निकल आए। ठीक है, इनकी गर्दन थोड़ी मोटी इस करके ना, ये नीचे चले गए। हाँ ठीक से लगा दे, ये ठीक है सर। अरे वो थोड़ा हाँ, आज बहुत ही बड़ी मुसीबत से हम बाहर निकले हैं। क्या हुआ था कि हम फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जैसा कि आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि किसी कारणवश हमें पिंटू के साथ फ़ोटो खिंचानी पड़ती है, क्योंकि हमें
वो किसी को दिखानी है, और अगर हम वो नहीं दिखाएंगे तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए वो फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उस एक फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, एक फ़ोटो सेशन, ताकि हम जिसे ये फ़ोटो दिखानी है उसे दिखा पाएँ और उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। लेकिन उस फ़ोटो सेशन के दौरान क्या होता है कि मुरारी जी यानी कि मेरे सेठ जी आ जाते हैं, और उस सिचुएशन से हम कैसे निकलते हैं इसको ध्यान रखते हुए कि हमें फ़ोटो भी खिंचानी है, क्योंकि हमें उन्हें भी झूठ बोलना है और वैसे भी झूठ का काम कर रहे हैं। तो झूठ प्लस झूठ इज इक्वल टू लॉट ऑफ फन। सो आपको इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहना चाहिए, बिकॉज बहुत मजा आएगा आपको। हाँ हाँ, इलायची जी तो हमेशा मदद करती हैं, वो जब भी उल्टे काम करने हो तो वो तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, तो हम बस फॉलो कर रहे थे उनके इंस्ट्रक्शंस, बट ऑफकोर्स बचा भी लेती हैं तो करना पड़ता है। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा शो देखते रहें, और सबको बताएं, एटलीस्ट 5 लोगों को बताएं कि जीजाजी छत पर है, ज़रूर देखें, और हमारा शो बहुत बड़ा 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 बने और बहुत लोगों से प्यार मिले। और अगर हमें ज़्यादा प्यार मिलेगा तो हम ज़्यादा आएंगे, और अगर ज़्यादा आएंगे तो आप हमें देख पाएंगे। इसीलिए आपका ये काम करना अनिवार्य है। धन्यवाद। थैंक यू।